हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए गौरव त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका बिजनेस सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जो बहुत ही न्यू है, बहुत ही नया सब्जेक्ट आया हुआ है जिसकी हम लोग आज बात करेंगे, और वो सब्जेक्ट है इनवाइस मैनेजमेंट सर्विस ऑन जीएसटी पोर्टल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नोटिफिकेशन जारी करी है कि अब आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी इनवाइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको टू बी जैसे जनरेट होता है, हमारा जीएसटी आर टू बी जैसे जनरेट होता है उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए आपको को किसी ने गलत इनवाइस आपके पोर्टल पे चढ़ा दी है तो अब आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि पोर्टल पे ये कैसे होता है। तो सबसे पहले आपके सामने ये पोर्टल का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये जीएसटीआर 2बी का स्क्रीनशॉट है। हमें सबसे पहले अपने पोर्टल में जीएसटीआर 2बी ओपन कर लेना है, और उसमें ओपन करने के बाद नीचे टैब में देखिए ओपन आईएमएस डैशबोर्ड आ रहा है। ये देखिए मैंने आपको एरो से भी दिखाया हुआ है ओपन आईएमएस डैशबोर्ड, इसको आपको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक इस तरीके का टैब खुल के आ जाएगा। इसमें देखिए तरह तरह के इनवाइसेज हैं, B2B इनवाइसेज हैं, B2B इनवाइसेज अमेंडमेंट हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट्स, क्रेडिट नोट अमेंडमेंट, अदर इनवाइसेज और उसके अमेंडमेंट्स, वो सारी चीजें आपको दी हुई हैं। उसी के जस्ट बगल में देखिए रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने जिनका जिन क्लाइंट का शेयर किया है आपको, उनके पास 7 इनवाइसेस थी, तो उसमें देखिए इनवाइसेस में लिख के आ रहा है 7 इनवाइसेस, जिसके नो एक्शन के लिख के आ रहा है, और उसी के आगे 3 कॉलम बने हैं एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड एंड पेंडिंग। तो जब आप इनवाइस लेवल पे जाके उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे या उसको कुछ नहीं करोगे, तब वो इस कॉलम में आ जाएगा। जिनको आप एक्सेप्ट करोगे वो एक्सेप्टेड कॉलम में आ जाएगा, जिन्होंने गलती से चढ़ा दिया है और आपको रिजेक्ट करना है आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, वो रिजेक्टेड वाले कॉलम में आ जाएगा, और पेंडिंग जिसमें आप कोई भी एक्शन नहीं दोगे, या पेंडिंग यानी कि आप इस महीने छोड़ रहे हो अगले महीने उसको एक देखोगे, नो एक्शन में वो आएगा जिस पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो हम देखते हैं इसमें, देखिए मैंने आपको टैब से समझाया हुआ है नो एक्शन, फिर उसके बाद एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, पेंडिंग। तो हम अब इनको ओपन कैसे करेंगे, तो देखिए जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, अपने स्क्रीन पे देखिएगा जब अपना पोर्टल खोलेगा, जहां पे 7 नंबर लिखा है वो हाइपर लिंक्ड है। जब आप उसको क्लिक करोगे तो इस तरीके की आपकी 7 इनवाइसेस ओपन हो जाएंगी। ये देखिए मैंने 7 इनवाइसेस ओपन कर ली अपने क्लाइंट की। उसमें देखिए जब आप देख रहे हैं ना, तो देखिए 3 कॉलम आ रहा है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। ये देखिए एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। ए पर क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, आर पे क्लिक करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, पी पे क्लिक करेंगे तो पेंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप सारी इनवाइसेस देख भी सकते हैं, उनका टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है, सारी चीजें आ रहा है। देखिए ये सारी चीजें आ रहा है एक्सेप्टेंस, रिजेक्टेड, पेंडिंग। इस पे जब आप क्लिक करोगे, ये देखिए मैंने यहां पे दिखाया हुआ है, जब आप एक्सेप्ट करोगे तो ये देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, इसको आपको सेव कर लेना है। जब आप सेव कर लोगे तो यहाँ पे एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड या पेंडिंग में से किसी भी एक में आ जाएगा। जब वो आ जाए तब आपको कंप्यूट करना है, यानी कि अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट करना है। देखिए मैंने कंप्यूट जीएसटीआर 2बी पे एरो लगाया हुआ है, जब आप कंप्यूट कर लोगे तो आपका ये रिटर्न रेडी हो जाएगा, और इसको ईवीसी करके, ओटीपी करके ये आपका फाइल हो जाएगा। तो जितने भी ऐसी इनवाइसेज हैं जो एक्स्ट्रा आ गई हैं वो आपके पोर्टल से 2बी से डिलीट हो जाएंगी, और आप उन्हीं का क्रेडिट ले पाओगे जिनको आप एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इस रिटर्न में कुछ भी एक्शन नहीं करते, नो एक्शन करते हैं, तो सारी इनवाइसेज डीम्ड एक्सेप्टेड मान ली जाएंगी और वो आपके पोर्टल पे उसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।